तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली गाइज आ चुके हैं एक और इंडियन बाइक से ड्राइविंग थ्योरम की वीडियो के साथ। तो गाइज आज की वीडियो होने वाली है मीथ एंड बस्ट, यानी भाई नो और राइट की वीडियो होने वाली। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो गाइज भाई का फर्स्ट मीथ है कि तुम इनविजिबल ग्लिच लगा के जुरासिक पार्क में जाओगे तो जुरासिक पार्क का डोर ओपन नहीं होगा। तो चलो गाइज फटाफट से इस मीथ को करते हैं। एंड गाइज समय इनविजिबल ग्लिच करने के लिए मैं 200 से हॉर्स को स्पॉन कर लेता हूँ, फिर इसकी बगल में 400 डाल के भाई ZX 10R को भी स्पॉन कर लेता हूँ। फिर क्या करना है, इसके बीच में जाके इस पे बैठ जाना है जैसे भाई इनविजिबल ग्लिच लग जाएगा। तो गाइज आप लोग देख सकते हो इनविजिबल ग्लिच हो चुका है, मैं फटाफट से जुरासिक पार्क की ओर निकलता हूँ। चलो गाइज मैं आपको जुरासिक पार्क में मिलता हूँ। तो गाइज हम जुरासिक पार्क की तरफ भी आ चुके हैं एंड गाइज की डोर ओपन होगी क्या नहीं होगी ये देखना है। बट गाइज ये तो डोर ओपन नहीं हो रही है, आप लोग देख सकते हो, मतलब कि ये डोर ओपन नहीं है, मतलब कि ये मीथ कंफर्म है। तो भाई का नेक्स्ट मीथ है मीथ अगर आप इन्फिनिट हेल्थ लगाकर बाइक को फोड़ते हो उसमें बैठोगे तो मैजिक होगा, पर इसको बहुत ही जल्दी करना होगा। तो फटाफट से गाइज मैं इन्फिनिट हेल्थ को लगा लेता हूँ। तो गाइज इन्फिनिट हेल्थ हमारी लग चुकी है एंड गाइज साथ साथ मैं 400 गाड़ी को भी स्पॉन कर लेते हो, यानी 400 डाल के हमारी ZX 10R भी आ चुकी है। अब इसमें मुझे भाई इसे फायर करना है, यानी फोड़ना है भाई, जल्दी से हम इसे ब्लास्ट कर देते हैं। तो यार गाइज इस पे तो बैठ भी नहीं पाने के आरपीजी से हम ब्लास्ट कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं गाइस, हम 400 गाड़ी को फिर स्पॉन करते हैं। अब इससे करेंगे एकेएम से फायर करेंगे, जैसे भाई इसके अंदर धुआं यानी भाई आग निकलने लग जाएगी जब इसके अंदर हम बैठ जाएंगे। तो गाइस हायाबुसा को स्पॉन करके हम एकेएम से इस पे फायर कर रहे हैं भाई, इसमें काफी धुआं तो निकल चुका, बट धुआं नहीं गाइस, इसमें हमें आग निकाल लिया भाई, आग से और ज्यादा हमें फायर करना होगा। चलो फटाफट से हम आग निकल चुके एंड गाइस पे बैठते देखते हैं मैजिक। भाई मैजिक तो हो रहा है, आप लोग देख सकते हो भाई, गोस्ट बाइक हम बन चुके हैं। तो गाइस इस मीथ का मैजिक ये था कि हमारे एनपीसी के अंदर आग लग जाएगी। तो फाइनली गाइस हमारे एनपीसी के अंदर आग लग चुकी भी है, मतलब कि ये मीट होता है बिल्कुल कंफर्म। तो गाइस बाइक का नेक्स्ट मीट है अगर हम लोग नाइट मोड कर 700 वाली लैम्बोर्गिनी को आरजीबी करेंगे तो गाड़ी का दौर आरजीबी नहीं होगा। प्लीज टेक माय मीट। तो चलो गाइस फटाफट से इस मीट को करते हैं एंड गाइस समय पहले तो हमें नाइट मोड को लगा लेना है। तो गाइस हमारा नाइट मोड तो लग चुका है, साथ साथ गाइस अब 700 यानी लैम्बोर्गिनी V2 को भी हम स्पॉन कर लेते हैं। तो गाइस फटाफट से हम लैम्बोर्गिनी के ऊपर आरजीबी कलर को स्पॉन कर देते हैं। चलो गाइस हमने आरजीबी कलर तो स्पॉन कर दिया, ये क्या गाइस बिल्कुल आप लोग देख सकते हो डोर यानी हमारी आरजीबी नहीं हुई, मतलब कि ये मीट बिल्कुल कंफर्म है। तो गाइस भाई का नेक्स्ट मीट है अगर आप टैंक को ब्लास्ट करोगे और उसमें तुरंत बैठोगे तो वो ब्लास्ट होकर भी उसको आप यूज कर पाओगे। ये मीट तो मुझे बस्टेड लग रहा, बट कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं यार, ब्लास्ट करने के बाद हम टैंक को यूज कैसे कर पाएंगे। चलो कोई बात नहीं भाई, 3-4 हम इसको आरपीजी में से पहले ब्लास्ट कर देते हैं। तो चलो गाइस फटाफट से हम ब्लास्ट तो हमने कर दिया, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मैंने कितनी आरपीजी में ब्लास्ट करा। चलो गाइस हम यूज कर पाते कि नहीं कर पाते, बट गाइस इस पे तो बैठने को ऑप्शन ही नहीं आ रहा, मतलब कि मीट बिल्कुल बस्टेड है। तो गाइस भाई का नेक्स्ट मीट है अगर आप न्यू हाउस में जाके कंप्यूटर के बगल वाले डेस्क पे जाकर छुपना है फिर देखो आपकी परछाई बाहर दिखेगी, प्लीज टेक माय मीट। तो गाइस ये वाला मीट मुझे काफी ने बता भी रहे थे कि न्यू हाउस में एक जादू आया। चलो गाइस हमें इसके ऊपर पहले चढ़ जाना है, फिर इसके पीछे एकदम कूद के देखना है भाई परछाई दिखती है कि नहीं। तो फाइनली गाइस हम कूद चुके हैं, यानी गाइस हम इसके पीछे बिल्कुल छुपक चुके हैं। आप लोग देख सकते हो भाई बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा कि हमारे पीछे इसके बंदा बैठा है कि नहीं। तो भाई हाँ बिल्कुल गाइस आप लोग देख सकते हो परछाई दिख रही होगी आपको बाहर, देख सकते हो भाई। तो गाइस ये मीट तो मुझे काफी अमेजिंग लग रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसा लगा, ये मीट बिल्कुल कंफर्म है। तो गाइस भाई का नेक्स्ट मीट है मीट अगर हम हॉर्स पे बैठकर वेपन चूज करेंगे तो मैजिक होगा। अरे बाबा, तो गाइस फटाफट से चलो हम 200 से हॉर्स को स्पॉन कर लेते हैं। तो गाइस हमारा हॉर्स तो स्पॉन हो चुका है, इस पे हमें सीधा बैठना है भाई, फिर हमें वेपन्स को निकालना है। तो गाइस हम बैठ भी चुके हैं एंड गाइस अब इसको वेपन से हम निकालते हैं। तो गाइस मैंने वेपन को भी निकाल तो दिया है, तो हमने वेपन्स को तो निकाल दिया, वेपन्स गई का। बट गाइस आप लोग देख सकते हो इसके हाथ में, आप लोग देखो भाई इनने वेपन को हॉर्स के अंदर घुसेड़ लिया, मतलब कि भाई पूरी वेपन्स को अपने हॉर्स के अंदर घुसा दिया, आरजीबी को आप लोग देख सकते हो। हाँ तो गाइस मैजिक मतलब ये हमारा हॉर्स के अंदर अपनी वेपन्स चली जाएगी, तो इसे मैजिक कहते हैं, तो मतलब कि मीट बिल्कुल कंफर्म है। तो भाई का नेक्स्ट मीट है मीट जब हम रनिंग का बटन 2 बार दबाते हैं तो आपका प्लेयर जंप करता है, बट हम स्मॉल डायनासोर को जंप नहीं करा सकते, प्लीज टेक माय मीट। तो गाइस ये तो जाहिर सी बात है, हम डायनासोर को या रनिंग कहाँ करा सकते हैं, बट देख लेते हैं क्या पता रनिंग हो जाए जैसे हमारा हॉर्स भाई रनिंग करता है। तो फटाफट से हमने डायनासोर को तो स्पॉन कर लिया है। तो गाइस हमारा देख सकते हो भाई डायनासोर को हम बैठ भी चुके, हम 2 बार इस पे क्लिक कर रहे हैं बट ये रनिंग नहीं कर रहा है। तो गाइस ये मीट है बिल्कुल कंफर्म। तो गाइस भाई का नेक्स्ट मीट है जब हम ZX 10R को ब्लास्ट करते हैं तो एक पार्ट ग्रीन ही रहेगा। नहीं
से गाइस मानता तो मैं भी नहीं हूँ, जब हम गाड़ी को ब्लास्ट कर देंगे तो गाड़ी रहेगी कहाँ। चलो कोई बात नहीं, हम ट्राई करते हैं। हमने ZS-10R को स्पॉन कर ले एंड अभी से हम AKM से फायर करेंगे जब तक धुआं यानी भाई ब्लास्ट न हो जाए पूरी, जब तक फायर करते रहेंगे। तो गाइस अब ये ब्लास्ट तो हो चुकी है यानी गाइस अब ब्लास्ट हो जाएगी। तो फाइनली गाइस ब्लास्ट भी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो। बट गाइस ये तो बिल्कुल रियल है, आप लोग देख सकते हो इसका एक पार्ट ग्रीन नहीं हुआ, देख सकते हो आगे का यानी टेर के पीछे ऊपर का जो मत्था होता है भाई वो ग्रीन नहीं हुआ। मतलब कि भाई ने बिल्कुल सही मीत बताया, तो ये कंफर्म मीत है। तो गाइस भाई का नेक्स्ट मीत है मीट टैंक के पास जाकर स्काईफॉल लगाते ही टैंक में बैठ जाओगे, फिर देखना टैंक गायब हो जाएगा। तो गाइस ऐसा भी हो सकता है क्या? बट गाइस मुझे तो नहीं लगता, क्या पता भाई हो जाए जो न्यू वाले अपडेट में। हमने टैंक को तो स्पॉन कर लिया था, फटाफट से स्काईफॉल लगाते यानी भाई हम 11:20 से स्पॉन कर लेते हैं स्काईफॉल और बैठ भी चुके। ये क्या गाइस, ये तो गायब हो चुका है फाइनली। यार गाइस एकदम ये टैंक गायब हो चुका है, मतलब कि मीत मुझे काफी अमेजिंग लगा, ये मीत बिल्कुल कंफर्म है। तो गाइस भाई का नेक्स्ट मीत है मीत, अगर आप डायनासोर को 50-50 को स्पॉन करके क्लासिक 3-3 को स्पॉन करके दोनों में एक साथ बैठोगे फिर उतर के क्लासिक में RPG मारोगे तो क्लासिक नहीं फटेगी। बट गाइस ये तो मीत मुझे कुछ यूनिक ही लग रहा है भाई, कह रहे भाई क्लासिक गाड़ी नहीं फटेगी। चलो कोई बात नहीं, हमने 3-3 से उन्हें क्लासिक गाड़ी को स्पॉन कर लेते एंड हमने डायनासोर को भी स्पॉन कर लिया, फटाफट से इसके अंदर बैठना है हमें। गाइस मैं यहां पर कंफ्यूज हो गया था क्योंकि गाइस यार डायनासोर पे बैठने का डबल ऑप्शन नहीं आ रहा था, मैंने सोचा चलो बैठ ही जाओ क्या पता भाई इनविजिबल होता हो, तो मैं बैठ के भाई उतर जाता हूं फाइनली थोड़ी आगे चला के। तो गाइस गाड़ी में से उतरने के बाद मुझे इस गाड़ी को RPG से ब्लास्ट करना है, तो फटाफट से हम RPG से ब्लास्ट करके देखते भाई ये फूटती है क्या नहीं फूटती। मैंने इसमें एक RPG मारी तो ये फूटी तो नहीं, बट इसमें आग लग चुकी है, आग से मैं देखता हूं क्या पता थोड़ी देर बाद ब्लास्ट हो जाएगी, नहीं होती भाई। तीसरी RPG मारता हूं उसमें भी ब्लास्ट नहीं होती भाई, ये मीत तो मुझे काफी अमेजिंग लग रहा है। तो गाइस फिर मैंने सोचा चलो इसमें एक और RPG मारो जब भी ब्लास्ट नहीं हो, फिर मैंने सोचा एक और मारो जब भी ब्लास्ट नहीं हो, भाई मतलब कि मीत बिल्कुल कंफर्म है। तो गाइस ये मीत तो मुझे काफी ज्यादा बेस्ट लगा, बट मुझे 3 मीत ज्यादा बेस्ट लगे, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कहां का कौन सा बेस्ट मीत बोले थे, और तुम भी मुझे कमेंट बॉक्स में अपने अपना मीत बताना आपको कौन कौन सा मीत ज्यादा बेस्ट लगा है। बस गाइस आज की वीडियो इतना ही थी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस जिसके मीत छूट गए भाई दिल से सॉरी, दोबारा आप ट्राई कर सकते हो अपने अपने दोबारा मीत बताना, मैं दोबारा से वीडियो में आपके मीत ले लूंगा। जो भी गाइस इस वीडियो को देखे अपने अपना एक मीत जरूर बताना, मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।